को नहीं बनने दिया। आज आपकी सरकार है, राम जी तो आए हैं, आप कृष्ण भी आएंगे और विश्व हिंदू परिषद सभी सबको लाएंगे। बनने दिया। आज आपकी सरकार है, राम जी तो आए हैं, आप कृष्ण भी आएंगे। ओख देहे प्रतिमोर्ध्वं पवतेहे प्रसोवरेहे स्वाइव सत्वरेपि रुदः पारयिष्यामि। सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष श्रीमान पुरुषोत्तम द्वितीय भी विराजमान है। कलश के ऊपर गणपति दो सुपाड़ी रखा हुआ है। अनेन कलश पूजनेन विश्व कल्याणम्। इन कलश पूजनों से विश्व कल्याण हो, इस भाव से अयोध्या नगरी से, पवित्र नगरी से, राम के परम धाम से निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। कलशों का अभी पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। इस पूजन के कार्यक्रम में का स्मरण करें। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सहस और कार्यवाह श्री कृष्ण गोपाल जी विराजमान है। उनके साथ में प्रांत संचालक श्रीमान गौतम जी। वस्त्रांत वस्त्रम समर्पयामि हे। आपके पास चंदन भी रखा होगा, वस्त्र भी रखा होगा, सबको पहनाएंगे। वस्त्रम समर्पया वस्त्रांत वस्त्रम समर्पया वस्त्रांत आचमनीयम जलम समर्पयामि यज्ञोपवीतम समर्पयामि यज्ञोपवीतांत आचमनीयम जलम समर्पयामि। शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरो पुने दक्षिणेयम् अनामिकयो एकैकं पवित्रं धारये यजमाने स्वस्ति तिलकम्। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रावाः स्वस्ति नः पूषा। राम जन्मभूमि की बात करते हैं तो आज जम्मू के वेद मंदिर में विधिवत तरीके के साथ जो है कलश की वितरण किया जाएगा और अक्षत कलश वितरण कार्यक्रम का आयोजन जो है रखा गया है। उससे पहले आपने तस्वीरें देखी जहां पर विधिवत तरीके के साथ पूजा अर्चना यहां पर की गई है और ये वो कलश है विधिवत पूजा अर्चना के साथ ये जम्मू कश्मीर लद्दाख के पूरे प्रांत में वितरण किया जाएगा। आप माहौल देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर में अद्भुत इस समय दृश्य आप लोगों में जोश देख सकते हैं और किस तरह उमंग यहाँ पर बना हुआ है और जज्बा और जोशो खरोश। अयोध्या नगरी की बात करते हैं जहाँ भगवान राम की बात करते हैं, एक बार फिर से वहाँ पर विराजमान होंगे और लोगों में उत्साह और जोशो खरोश लगातार बरकरार है और आज जम्मू कश्मीर लद्दाख के प्रांत में वितरण जो है वो किया जाएगा। और इस वक्त जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात करते हैं तो ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर की हैं और लगातार इस वक्त तस्वीरें लोगों में उत्साह है, लोगों की उत्साह की बात करते हैं। मैं आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगा, वो कलश दिखाऊंगा जो 801 कलश जो है आज जम्मू कश्मीर से जो है जम्मू कश्मीर में वितरण किया जाएगा और अक्षत कलश वितरण का
कार्यक्रम का जो आज आयोजन है ये वो 801 कलश है जो आज ये विधिवत पूजा अर्चना के साथ जो है आज जम्मू कश्मीर के उन इलाकों में सब जो है समर्पित किए जाएंगे और उसके बाद विधिवत पूजा अर्चना होगी। ये नन्हे बच्चे आप देख सकते हैं भगवान श्री राम अपने चेहरों पर लिखाए हुए और उत्साह लगातार बरकरार है और ये तस्वीरें दिखाइएगा लोगों में उत्साह और कितना जोश खरोश इस वक्त लगातार जम्मू कश्मीर में बना हुआ है उसकी तस्वीर से साफ जाहिर होता है भगवान श्री राम के जो है और कितना उत्साह है और कितना उमंग है ये इन चेहरों से साफ जाहिर होता है। किस तरह से देखते हैं कितना उत्साह है, कितना उत्साह है भगवान श्री राम का विराजमान होना है 22 तारीख को, उससे पहले कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है और हम लखनपुर से आए हैं, हमारी पूरी टीम आई है और इस दिन का हम बरसों से इंतजार कर रहे थे। आज हमारे दिल की जो मनोकामना है वो पूर्ण हो गई है, ये सब श्री राम की वजह से हुआ है। जो पूरे लोग, जो टीम, जो विश्व हिंदू परिषद इतने सालों से जो लगी हुई है और हमारी वर्तमान सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी, उनकी वजह से ये सारा कार्य जो है वो संपन्न हो रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। तो आपने देखा कि ये उत्साह लगातार बरकरार है और इंतजार जो है वो कि वीडियो जर्नलिस्ट दीपक जी के साथ गुलिस्तान न्यूज से नमस्कार।